सब्सक्राइब करें कैसीना मैथ सॉल्यूशन क्लास 12 चैनल को एंड प्रेस बेल आइकन फॉर अपकमिंग वीडियोस। हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के क्वेश्चन नंबर 12 से लेकर 38 तक सॉल्व करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 12। एक्स लॉग एक्स इंटू लॉग एक्स माइनस वन डी एक्स इज इक्वल टू, ये है आपका क्वेश्चन। देखिए हमने क्या गिवन इंटीग्रेशन आई इक्वल टू इतना पे दिया हुआ है। फिर हमने क्या किया है, x से इसमें log x माइनस वन ने मल्टीप्लाई किया, तो आपका हो जाएगा x log x माइनस x dx, ठीक है। x से मल्टीप्लाई किया इसमें इसमें, तो आपका इतना हो गया। और log x से यहाँ पे इतना लिखा हुआ है। फिर हम क्या किए हैं, देखिए इस वाले पार्ट को आगे लिख दिया और log x को पीछे, इतना हो गया आपका। फिर क्या किए, x log x माइनस x को z मान लिए, देखिए माने हैं। देन इसका डिफ्रेंसिएशन किए, तो इसका डिफरेंशिएशन जो रहेगा फर्स्ट पार्ट का u इंटू वी पे होगा, ठीक है। तो u इंटू वी का डिफरेंशिएशन क्या होता है कि फर्स्ट पार्ट को कांस्टेंट रखते हुए तो सेकंड पार्ट को डिफरेंशिएट किया जाता है, फिर सेकंड पार्ट को कांस्टेंट रखते हुए फर्स्ट पार्ट को डिफरेंशिएट किया जाता है। तो देखिए log x को हमने फर्स्ट पार्ट माना है, तो इसको कॉन्स्टेंट रखे हैं और x को सेकेंड पार्ट, तो सेकेंड पार्ट x का डिफरेंशिएशन वन, ठीक है। फिर x सेकेंड पार्ट है तो उसको कॉन्स्टेंट रखे हैं, और log x फर्स्ट पार्ट है इसका डिफरेंशिएशन क्या है, तो उसका डिफरेंशिएशन वन अपॉन एक्स हो गया, ठीक है। और एक्स का डिफरेंशिएशन जानते हैं आप क्या होता है, वन माइनस साइन था तो माइनस वन हो गया, और ये विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स हो गया है इसका डिफरेंशिएशन, तो डी एक्स। और जेड का डिफरेंशिएशन डी जेड, ठीक है। नाउ अगर देखिए, ये तो लॉग एक्स हो जाएगा, लॉग एक्स इंटू वन इज इक्वल टू लॉग एक्स, और एक्स इंटू वन अपॉन एक्स कटेगा तो बचेगा वन, और ये माइनस वन, ठीक है। डी एक्स इज इक्वल टू डी जेड। नाउ माइनस वन प्लस वन, ये तो जीरो हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा यहाँ सिर्फ लॉग एक्स, डी एक्स इज इक्वल टू डी जेड बचेगा, ठीक है। नाउ अब आइए इंटीग्रेशन पे, इंटीग्रेशन आई इज इक्वल टू, देखिए आपको क्या ये है, तो इस पार्ट को हमने क्या माना है जेड, तो जेड लिख दिया, और लॉग एक्स डी एक्स इज इक्वल टू कितना है, डी जेड के बराबर, तो डी जेड लिख दिया। अब जेड का इंटीग्रेशन करना है, जेड का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, जेड स्क्वायर बाय टू प्लस सी, अब जेड का वैल्यू रख दीजिए तो वही आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए वन बाई टू एक्स जेड इज इक्वल क्या है, एक्स लॉग एक्स माइनस एक्स, और इसका स्क्वायर है तो होल स्क्वायर कर दिए प्लस सी, आपका आंसर हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है देखिए, क्वेश्चन नंबर 13, इफ इंटीग्रेशन एक्स का पावर माइनस थ्री इंटू फाइव का पावर वन अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू के इंटू फाइव का पावर वन अपॉन एक्स स्क्वायर देन के इज इक्वल टू, यानी आपको यहाँ पर के का वैल्यू निकालना है। देखिए कैसे निकाले हैं, गिवन इंटीग्रेशन आई इक्वल टू इतना इज इक्वल टू एल एच एस ए आर एच एस, ठीक है। नाउ इंटीग्रेशन आपको ये ना इंटीग्रेट करना है, तो देखिए क्या किया, इसको पहले लिख दिया है, इसको पीछे लिखे हैं। फिर हमने क्या किया है, वन अपॉन एक्स स्क्वायर है ना ये, तो वन अपॉन एक्स स्क्वायर को हमने जेड माना है, देखिए वन अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जेड मान लिया, ठीक है। वन अपॉन एक्स स्क्वायर को हम एक्स का पावर माइनस टू लिख सकते हैं, तो लिख दिया है इतना इज इक्वल टू जेड, ठीक है। फिर इसका डिफ्रेंसिएशन किया, इसको भी इसको भी, तो इसका डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा माइनस टू इंटू एक्स का पावर माइनस थ्री डी एक्स इज इक्वल टू डी जेड, ठीक है। तो माइनस टू इधर आएगा तो माइनस डी जेड बाई टू हो जाएगा, देखिए यहाँ तो एक्स माइनस एक्स क्यूब हो जाएगा, एक्स का पावर माइनस थ्री डी एक्स हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस डी जेड बाई टू, समझ गए। यानी एक्स का पावर माइनस थ्री डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस डी जेड बाई टू। नाउ अब आप इंटीग्रेशन पे आइए, इंटीग्रेशन आपका ये, इस पार्ट को हमने क्या माना है, ये तो उसको जेड माना है, तो फाइव का पावर जेड हो जाएगा, देखिए फाइव का पावर जेड हो गया, और एक्स का पावर माइनस थ्री डी एक्स इज इक्वल टू क्या, तो माइनस डी जेड बाई टू, तो माइनस डी जेड बाई टू पुट कर दिया, ठीक है। यानी इसके स्थान पे ये और इसके स्थान पे ये। नाउ माइनस वन बाई टू क्या है आपका, यहाँ कॉन्स्टेंट है तो बाहर आ गया माइनस वन बाई टू, बचा आपका फाइव का पावर जेड डी जेड, लिख दिया हमने। अब नाउ अब जानते हैं ए एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, ए एक्स इंटू ए एक्स अपॉन लॉग ए, पता है ना आपको, याद होगा फॉर्मूला, एक्स का इंटीग्रेशन होता है ए एक्स अपॉन लॉग ए, तो ए इज इक्वल टू फाइव, एक्स इज इक्वल टू जेड, तो ए जेड अपॉन लॉग ए, ठीक है, ए जेड अपॉन लॉग ए, तो यहाँ ए इज इक्वल टू फाइव है, तो फाइव का पावर जेड अपॉन लॉग फाइव प्लस सी, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन इतना हो गया। फिर हमने क्या किया, इससे मल्टीप्लाई हो गया माइनस वन बाई टू लॉग फाइव इंटू जेड का वैल्यू पुट कर दिया हमने, देखिए क्या है जेड का वैल्यू,
वन अपॉन एक्स स्क्वायर, तो वन अपॉन एक्स स्क्वायर रख दिया, ठीक है। यानी आपने देखा कि इसका इंटीग्रेशन कितना आ गया है, इतना। अब कंपेयर कीजिए इस पार्ट में, यानी आपका एलएचएस इतना है, आरएचएस इतना है, और एलएचएस इतना है, तो देखिए के का कंपेयर करने पे आपका क्या आ रहा है। देखिए कंपेयर किए हम यहाँ पे, है ना, चलो पार्ट आपका ये इंटीग्रेट करने पे आया है और ये आपका आरएचएस है। तो देखिए ये तो आपका ये पार्ट मिला है आपका, ये देखिए यहाँ पे है, और के जगह के स्थान पर कौन सा पार्ट है, ये वाला पार्ट है, ठीक है। तो के इज इक्वल टू हो जाएगा इतना, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर अब 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका ये, ठीक है, ई का पावर वाई अपॉन वाई प्लस टू। देखिए लिख गिवन आई इज इक्वल टू इतना लिख दिया हम। नाउ क्या किया है, वाई प्लस टू से प्रत्येक टर्म में डिवाइड दिए हैं, फर्स्ट टर्म ए सेकेंड टर्म, ठीक है। तो एक बार वन में डिवाइड दिए हैं वाई प्लस टू से, देखिए किए हैं, और एक बार इसमें देंगे डिवाइड, तो आपका वाई प्लस टू कट जाएगा ना, तो बचेगा लॉग वाई प्लस टू, ठीक है। ये वाला है, इससे डिवाइड होगा इससे, तो कट जाएगा ना, तो बचेगा लॉग वाई प्लस टू, तो वाई प्लस टू लिख दिए। नाउ इसको आगे लिख दिए और इसको पीछे, ठीक है। अगर वाई प्लस टू को आप एक्स मानते हैं, देन इसका लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, वन अपॉन एक्स। देखिए वन अपॉन एक्स, वाई प्लस टू को क्या माना है, एक्स, तो वन अपॉन एक्स हो गया। यानी यह आपका जो फंक्शन दिया है उसी का डिफ्रेंशिएशन यानी डेरिवेटिव भी ये पार्ट है, दूसरा फंक्शन है। तो आपको फॉर्मूला याद होगा कि अगर कोई फंक्शन दिया हुआ हो और सम में उसका डेरिवेटिव हो, तो उसका इंटीग्रेशन जो होता है ई वाई इंटू फंक्शन एफ एक्स हो जाता है। आपको फॉर्मूला याद होगा, मैंने बहुत बार सॉल्व भी किया है, आपको बताया भी है इस प्रकार क्वेश्चंस। इंटीग्रेशन आई इक्वल टू हो जाएगा ई वाई इंटू लॉग, फंक्शन क्या है आपका, फंक्शन ए ना है लॉग, तो लॉग वाई प्लस टू प्लस सी, ठीक है। फंक्शन की जगह पर हमने लग लिख दिया उसका वैल्यू, आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, इफ इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स, वी आर फंक्शन एफ एक्स इज ए कंटिन्यूस फंक्शन, देन अ वैल्यू ऑफ फंक्शन एफ एक्स डी एक्स इज इतना। यानी फंक्शन इसका आपका वैल्यू निकालना है, ठीक है। मान लीजिए लेट फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स है, ठीक है, देन इंटीग्रेशन इसको करते हैं, तो इंटीग्रेशन ए इसके स्थान पर क्या है, इक्वली इतना है, तो इसके लिख दिए एक्स लिख दिए, फंक्शन दिस इज इक्वल टू एक्स, तो इसका एक्स लिख दिए एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन हो गया एक्स स्क्वायर बाई टू इज इक्वल टू फंक्शन एफ एक्स, ठीक है। नाउ अब इंटीग्रेट क्वेश्चन पे आते हैं, ये आपका है फंक्शन एफ एक्स अपॉन इंटीग्रेशन एफ एक्स, ठीक है। तो ये फंक्शन एफ एक्स का वैल्यू रखे हैं एक्स, क्योंकि एक्स फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू इतना है, और एफ एक्स कैपिटल एफ एक्स क्या है, इसको इंटीग्रेट करने पड़ने पर जो आया वही ना है, इंटीग्रेट करने पर क्या है, ये आया है, इसको रखते हैं वैल्यू को, ये रख दिया, ये टू ऊपर में चल जाएगा था, टू एक्स हो जाएगा, और ये कटेगा एक्स, तो बचेगा वन अपॉन एक्स डी एक्स, ठीक है। तो देखिए वन अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो गया, लॉग एक्स प्लस सी, टू तो कॉन्स्टेंट था तो बाहर आ गया था, तो हो गया टू लॉग एक्स प्लस सी। अब देखिए आप तो जानते हैं फॉर्मूला, एक पता है आपका एम लॉग एक्स इक्वल टू होता है लॉग एक्स का पावर एम, जस्ट इसी फॉर्मूला पे हमने क्या किया उसको लिख दिया, ठीक है। टू लॉग एक्स तो ले हो जाएगा लॉग एक्स एक्स स्क्वायर, ठीक है, इस फॉर्मूला पे हिसाब से, तो लॉग एक्स स्क्वायर प्लस सी, तो इसमें हम क्या किए हैं, देखिए टू इंटू फंक्शन एफ एक्स, ठीक है, टू इंटू फंक्शन एफ एक्स अगर हम लिखते हैं तो फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, ये है एक्स स्क्वायर बाई टू, तो टू इंटू एक्स स्क्वायर, टू इंटू एक्स स्क्वायर बाई टू, तो टू टू कैंसिल हो जाएगा, बचेगा एक्स स्क्वायर, यानी यही लिखे हुए हैं हम, इसमें तो कोई चेंजिंग नहीं किए हैं, ठीक है। टू इंटू फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई टू, तो लिखते हैं हम एक्स स्क्वायर बाई टू, तो हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर बाई टू, तो टू 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 ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा एक्स स्क्वायर, यानी इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। नाउ लॉग एम इंटू एन, तो लॉग एम प्लस एन होता है ना फॉर्मूला, लॉग एम प्लस एन का, तो लॉग एम प्लस एन हो जाएगा लॉग एम एन, देखिए लिख देते हैं, चूंकि लॉग एम एन इज इक्वल टू होता है लॉग एम प्लस लॉग एन, ठीक है। इस हिसाब से लॉग टू हो जाएगा प्लस लॉग एफ एक्स प्लस सी, ठीक है।
लॉग टू तो कॉन्स्टेंट है तो ये सी के अंतर्गत आ जाएगा, तो लॉग हो गया लॉग एफ एक्स प्लस सी आपका आंसर। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका गिवन है इतना। और फ्रेंड्स मैं एक बात बता दूं, इंटीग्रेशन में कोई जरूरी नहीं है कि आपका आंसर जो है मैच ही करे। इंटीग्रेशन का जो आंसर होता है वो कभी कभी डिफरेंट भी आ सकता है, ठीक है, ये कोई जरूरी नहीं है कि आपका आंसर ही मैच कर जाए, लेकिन वो आपका करेक्ट होता है आंसर। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 16 ये आपका है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है तो गिवन इंटीग्रेशन इज इक्वल टू इतना, ठीक है। तो हमने क्या किया है, इसमें 1 से मल्टीप्लाई किया है, ठीक है, तो कोई चेंजिंग नहीं होगा, डी इतना हो जाएगा। अब इसको हम u और v फॉर्मूला पे इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। तो u माने हम log x को, क्योंकि ILATE वर्ड में जो होता है log पहले आता है, ठीक है, एल्जेब्रिक फॉर्मूला फंक्शन से, ठीक है, तो log x पहले आता है फंक्शन, log फंक्शन जो होता है वो पहले आता है एल्जेब्रिक फंक्शन से, तो log x को u माने और 1 कांस्टेंट है तो उसको भी मान लिया, ठीक है। तो देखिए इसको कांस्टेंट रखें तो सेकंड फंक्शन को क्या कह रहे थे, इंटीग्रेट, फिर माइनस फॉर्मूला पर पुट कर रहे हैं, इंटीग्रेशन फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, और फिर दोनों का फिर से प्रोडक्ट लेकर दोनों का फिर से इंटीग्रेट करते हैं, ये ना है। तो इतना देखिए पुट कर लिए फॉर्मूला पर, यू और भी, ये आपका हो गया यू, ये हो गया 1 भी, ठीक है, इसका तो इंटीग्रेशन एक्स हो जाएगा, और इसका लॉग लॉग 10 लॉग एक्स टू द बेस 10 का डिफ्रेंसिएशन जो होता है वो होता है 1 अपॉन एक्स इंटू लॉग 10 होता है, ठीक है, और इसका इंटीग्रेशन तो एक्स हो जाएगा, ठीक है, इतना हो गया। देखिए यहाँ पे हो गया आपका एक्स लॉग एक्स टू द बेस 10 माइनस, ये हो जाएगा एक्स एक्स, तो आपका कट गया, देखिए यहाँ पर भी एक्स एक, यहाँ पर भी एक्स, ठीक है, तो बचा आपका 1 अपॉन लॉग 10 जो कि कॉन्स्टेंट है, दोबारा आ गया इंटीग्रेशन डी एक्स, ठीक है। अब हो गया x log x माइनस 1 अपॉन log 10 x, x क्यों कहाँ से है ये, इसका dx एक्स इंटीग्रेशन होगा तो क्या होगा, x आएगा और प्लस c। नाउ अब हम इसमें से क्या करते हैं, देखिए x log x टू द बेस 10 माइनस x अपॉन log 10 प्लस c, ये जो है आपका आंसर है, ठीक है, बुक में जो आपका दिया हुआ है वो सेम मैच नहीं कर रहा है, मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि ये गलत है, ये भी जो है आपका सही है, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका अ प्रिमिटिव ऑफ मोड एक्स व्हेन एक्स लेस देन 0 इज, प्रिमिटिव मतलब होता है इंटीग्रल, ये आपका है इंटीग्रल का दूसरा नाम प्रिमिटिव है, ठीक है, तो इससे घबराने की बात कुछ नहीं है, इन प्रिमिटिव मतलब होता है इंटीग्रल, तो इंटीग्रेशन आई इक्वल टू मोड एक्स, मोड एक्स का इंटीग्रेशन देना है, तो इसका होता है इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स, जब कब होता है एक्स डी एक्स, जब एक्स इज ग्रेटर देन 0 या इक्वल टू 0, तब इसका इंटीग्रेशन जो होता है एक्स डी एक्स, या इसका दूसरा कंडीशन है जब एक्स इज लेस देन 0 होता है तो उसका इंटीग्रेशन होता है माइनस एक्स डी एक्स, ठीक है, जब मोड के रूप फॉर्म में हो, तो यहाँ पर आपका पूछ रहे हैं लेस देन 0, तो आप समझ रहे हैं कि इस ये अप्लाई होगा, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चल रहे हम इंटीग्रेशन आज इक्वल टू हो जाएगा माइनस एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस सी, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 है, इसमें हम क्या कर रहे हैं, देखिए रूट वाई जो है उसको हम जेड माने हैं, तो रूट वाई का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 1 अपॉन 2 रूट वाई डी वाई, ठीक है, ये जेड का डिफ्रेंशिएशन डी जेड, तो ये 2 को उसेट भेजेगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा क्योंकि यहाँ डिवाइड में है, ये हो जाएगा 2 डी जेड, ठीक है, और ये हो जाएगा डी वाई अपॉन रूट वाई इज इक्वल टू 2 डी जेड। नाउ इंटीग्रेशन पाइए, ये हो जाएगा आपका, देखिए ये तो है कॉस जेड हो जाएगा क्योंकि रूट वाई जेड माना है, तो कॉस जेड और डी वाई अपॉन रूट वाई इज इक्वल टू, देखिए डी वाई अपॉन रूट वाई इज इक्वल टू 2 डी जेड, तो 2 डी जेड रख दिया हमने, 2 कॉन्स्टेंट था तो बाहर आ गया, बचा आपका कॉस जेड डी जेड, कॉस जेड का जानते हैं इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन जेड प्लस से, अब जेड जेड का वैल्यू रख दीजिए तो जो कि रूट वाई है तो रख दिए प्लस से, आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 है आपका गिवन इंटीग्रेशन आई इक्वल टू इतना, ठीक है, तो माइनस साइन से देखिए बाहर हम इसमें हम क्या किए, इन दोनों में से माइनस 1 कॉमन किए हैं, माइनस 1 कॉमन किए तो ये 1 पहले आ गया, ये माइनस कॉस 2 थीटा आ गया, ठीक है, यानी इसमें से माइनस 1 कॉमन किया, इसमें से 1,
तो माइनस वन, तो माइनस देखिए माइनस से मल्टीप्लाई के ऊपर में, तो माइनस वन आ जाएगा, ये प्लस कॉस टू थीटा हो जाएगा, तो कॉस टू थीटा माइनस वन, ठीक है, इसमें यानी माइनस साइन बाहर कॉमन कर लिया ऊपर में से, तो वो हो गया आपका वन माइनस कॉस टू थीटा अपॉन, इसमें पहले आगे पीछे कर दिया तो वन प्लस कॉस टू थीटा, ठीक है। देखिए वन माइनस कॉस टू थीटा जो होता है वो टू साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, और वन प्लस कॉस टू थीटा जो होता है वो टू कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, ये डी थीटा, ठीक है। ए टू टू कैंसिल, तो बचा आपका साइन स्क्वायर थीटा अपन कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा डी थीटा, ठीक है। और टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, तो ये भी लिख दिया हमने, माइनस साइन तो है ही है। अब दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट किया है, देखिए माइनस साइन से इसमें एक बार इंटीग्रेट किया है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, देखिए वन तो डी थीटा हो जाएगा, ठीक है, प्लस हो गया ये माइनस का माइनस, सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है टेन थीटा, माइनस साइन था तो माइनस टेन थीटा हो गया, डी थीटा का इंटीग्रेशन थीटा प्लस से, आगे पीछे लिख दीजिए पॉजिटिव पहले और निगेटिव बाद में, तो थीटा पहले पॉजिटिव है, पॉजिटिव है तो ये पहले आ गया, माइनस टेन थीटा निगेटिव है तो पीछे आ गया, ठीक है, थीटा माइनस टेन थीटा प्लस से, आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 19 का। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 है, देखिए इंटीग्रेशन ऑफ ई एक्स इंटू वन अप प्लस टेन एक्स प्लस टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स, गिवन इंटीग्रेशन है इक्वल इतना है, इतना लिख लिया हम, देखिए यहाँ तक वन टेन एक्स प्लस इसको पहले लिख दिया और वन इसको बाद में, तो वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स, ठीक है, इतना लिख दिया, आगे पीछे करके ई एक्स इंटू टेन एक्स इसको यहाँ लिख दिया और वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक है। अब देखिए टेन एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स, आपको क्या मान चल रहा है यहाँ से, जो फंक्शन दिया हुआ है ये फर्स्ट फंक्शन या दूसरा फंक्शन उसका डेरिवेटिव है, यानी फंक्शन एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, तो आपको जानते हैं इस प्रकार फॉर्मूला में क्या होता है इसका इंटीग्रेशन ई एक्स इंटू फंक्शन एफ एक्स, तो हमने अप्लाई कर दिया उस फॉर्मूला पे, ई एक्स इंटू फंक्शन एफ एक्स होता है इंटीग्रेशन, एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है फंक्शन आपका यहाँ क्या है टेन एक्स, तो ई का पावर एक्स इंटू टेन एक्स प्लस ए, फॉर्मूला के हिसाब से पुट कर दिया हमने, आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, देखिए टू डी एक्स अपॉन अंडर रूट वन माइनस फोर एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेशन आज इक्वल इतना है फोर एक्स स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं टू एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब हम क्या कहते हैं टू एक्स को जेड मान लिया, देन इसका डिफ्रेंशिएशन किया है तो टू तो कांस्टेंट था और एक्स को जो है तो डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा वन, तो डी एक्स तो टू डी एक्स हो जाएगा, इसका डिफ्रेंशिएशन टू डी एक्स और जेड का डी जेड, नाउ इंटीग्रेशन पे आइए, तो ये देखिए टू डी एक्स इक्वल टू डी जेड, टू डी एक्स इक्वल टू डी जेड, तो पुट कर दिया हमने अपॉन आइए नीचे में वन माइनस इसको तो जेड माना है तो वन माइनस जेड स्क्वायर, ठीक है। ये देखिए आप ये जो आपका इंटीग्रल है इंटीग्रैंड जो है किस फॉर्मूला पे है किस फॉर्म में, तो साइन इनवर्स जेड क्यों है तो इसका इंटीग्रेशन होता है साइन इनवर्स जेड प्लस, ठीक है, प्लस से अब जेड का वैल्यू पुट कर दीजिए तो आपका आंसर हो जाएगा साइन इनवर्स टू एक्स प्लस से आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, ये है आपका, अब ये जो क्वेश्चन है आपका एक्सरसाइज 19.13 जो है उससे रिलेटेड है, उस पर जिसमें क्वेश्चन सोल्व किया गया है वो जस्ट वैसा ही क्वेश्चन इसमें सोल्व करना है। देखिए लेट आपका इंटीग्रैंड है तो लेट दो फैक्टर्स इसमें, तो फर्स्ट फैक्टर के लिए यूज किए और सेकंड फैक्टर के लिए बी, ए अपॉन वाई माइनस थ्री प्लस बी अपॉन वाई माइनस टू, ठीक है, इतना है इसको लिख दिया। अभी हम क्या किए एलसीएम लिए इसको इसके साथ इसको इसके साथ और दोनों का प्रोडक्ट के रूप में एलसीएम ले लिया, ठीक है, यानी इसका एलसीएम लिया गया। अब देखिए ये पार्ट तो आपका कटेगा, कट गया, ठीक है, बचा आपका इधर वाई माइनस वन और इधर बचा ए इंटू वाई माइनस टू प्लस बी इंटू वाई माइनस थ्री। अब हम क्या करते हैं ए और बी का वैल्यू निकालते हैं, तो ए का वैल्यू कब निकलेगा जब बी का वैल्यू जीरो हो जाए, और बी का वैल्यू कब निकलेगा जब ए इज इक्वल टू जीरो हो जाए, तो बी कब जीरो कब होगा जब ये वाई इज इक्वल टू थ्री पुट करेंगे, थ्री माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो, तो जीरो इंटू बी इज इक्वल टू बी जीरो, ठीक है, तो पुटिंग वाई इज इक्वल टू थ्री पुट किए तो ए का वैल्यू निकल गया आपका देखिए टू, ठीक है। अब देख सकते हैं कैसे कैसे निकला हुआ है, थ्री पुट किए लिए तो थ्री माइनस वन इज इक्वल टू थ्री, देखिए थ्री माइनस वन इज इक्वल टू टू हो जाएगा ना, इक्वल टू ए इंटू यहाँ थ्री पुट किए थ्री माइनस टू ए तो जीरो हो जाएगा, तो जीरो, ठीक है, इसी प्रकार हम जब पुट करते हैं वाई इक्वल टू बी का वैल्यू निकाला आपका माइनस वन, समझ गया। नाउ आपका इंटीग्रैंड आपका यही ना है, तो ये पार्ट ए और ये हो गया बी, ए और बी का वैल्यू पुट कर दिए हम, इतना हो गया, ठीक है। नाउ दिस इंटीग्रैंड बिकम्स इतना इसके इक्वल होगा, क्योंकि ये इंटीग्रैंड जो है इसके बराबर है, दोनों साइड इंटीग्रैंड लेंगे
इस साइड अगर इंटीग्रेट करते तो इसको भी इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो देखिए दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट कर दिए हैं, है ना। अब जो टू कॉन्स्टेंट था तो बाहर ये बचा वन अपॉन वाई माइनस थ्री, डिवाइड इसका इंटीग्रेशन लॉग वाई माइनस थ्री हो गया, और माइनस साइन इसका, तो इसका इंटीग्रेशन लॉग वाई माइनस टू प्लस सी। देखिए फॉर्मूला आपको हम बताए हैं, एम लॉग एक्स इज इक्वल टू होता है लॉग एक्स का पावर एम। इसी फॉर्मूला के आधार पर हमने इसको लिख दिया है, ऐसे टू है तो यहाँ पर जाएगा पावर में, देखिए माइनस लॉग वाई माइनस टू प्लस सी, आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर देखते हैं आप 24। वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन इतना, इसका इंटीग्रेशन निकालना है। तो देखिए गिवन इंटीग्रेशन आज इतना, ठीक है, इसको हम ऐसे लिख दिए, इसमें क्या 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 किए, प्लस वन किया और माइनस वन कर दिया, यानी एक जोड़ दिया तो एक घटा दिया, ठीक है। फिर हम क्या किए, प्लस वन को पहले लिखे, प्लस टू लिख, टू एक्स लिखे और माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस वन, यानी इसको आगे पीछे लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं उसे, ठीक है। फिर वन, फिर वन देखिए इन तीनों में से हमने क्या किया है, माइनस साइन कॉमन कर लिया, देखिए क्या है, तो आपका बचा एक्स स्क्वायर पॉजिटिव, और इसमें से माइनस टू एक्स हो जाएगा, ये माइनस प्लस वन हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि माइनस साइन तो कॉमन कर लिया है इतना इतना, ठीक है। नाउ अब देखिए डी एक्स अपॉन अंडर रूट, ये तो वन का स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए लिख दिए एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर इक्वल टू दिस इतना, ठीक है, इतना लिख दिया। तो आप देखिए इंटीग्रेंट आपको किस फॉर्म में, इस फॉर्म में है, इसका इंटीग्रेशन होता है वन अपॉन ए साइन इनवर्स एक्स बाई ए, ए इक्वल टू क्या है वन, और एक्स इक्वल टू एक्स माइनस वन, ठीक है। तो फॉर्मूला पर साइन इनवर्स एक्स माइनस एक्स अपॉन ए, ए इक्वल टू वन है तो लिखना कोई जरूरी नहीं है, तो साइन इनवर्स एक्स बाय एक्स, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 25। क्वेश्चन नंबर 25 है आपका, देखिए ये, ठीक है, इंटीग्रेशन आज इक्वल इतना, ठीक है। तो हम क्या किए हैं, यू और भी को मान लिया, तो लॉग को यू माने हैं और भी को वाई का पावर थ्री को भी, ठीक है। तो लॉग यू इंटू इंटीग्रेशन ऑफ भी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेशन इंटू डेरिवेटिव ऑफ यू एंड इंटू प्रोडक्ट ऑफ इंटीग्रेशन, यानी देखिए इसका क्या कहते हैं, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव भी है तो सेकंड फंक्शन का इंटीग्रल, फिर दोनों का प्रोडक्ट जो आएगा उसका फिर से इंटीग्रेट कर देना है, यानी इसको फॉर्मूला पे पुट कर दिया गया है, ठीक है। यू इंटू वी का जो होता है ना इंटीग्रल करने का प्रोसेस, उसी फॉर्मूला पे, तो लॉग वाई इसका इंटीग्रेशन हो गया वाई बाई फोर, वाई का पावर फोर अपॉन फोर माइनस इंटीग्रेशन, देखिए वन अपॉन वाई इंटू इसका तो डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, वन अपॉन वाई इसका इंटीग्रेशन वाई का पावर फोर अपॉन फोर डीवाई, देखिए वन बाई फोर क्या था, यहाँ से लिख सकते हैं इसको ऐसे वन बाई फोर इंटू लॉग वाई इंटू वाई का पावर फोर, ये तो माइनस वन बाई फोर कॉमन हो जाएगा, यहाँ पे वाई बाई कटेगा तो बचेगा वाई का क्यूब डीवाई, ठीक है, हो जाएगा वन बाई फोर लॉग वाई इंटू वाई का पावर फोर माइनस वन बाई फोर, और फिर से इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस वन बाई फोर वाई का पावर फोर अपॉन फोर प्लस एट, ठीक है। तो ये देखिए इस पार्ट में हम क्या करते हैं, इस वाले पार्ट में चार से मल्टीप्लाई करते हैं और चार से डिवाइड करते हैं। देखिए हमने क्या किया, चार से मल्टीप्लाई किया है तो चार से डिवाइड भी दिया है, और लॉग वाई इंटू वाई का पावर फोर माइनस वन अपॉइंट सिक्सटीन, देखिए सिक्सटीन कैसे हो जाएगा, तो वाई वन बाई फोर इंटू वन बाई फोर इक्वल टू सिक्सटीन, ठीक है, माइनस वन बाई सिक्सटीन वाई का पावर फोर प्लस ए। अब हमने क्या किया, इन दोनों से वन बाई सिक्सटीन कॉमन कर लिया, तो यहाँ बचेगा आपका फोर बाई फोर, फोर इंटू फोर इक्वल टू सिक्सटीन, तो यह होगा यहाँ बचेगा आपका फोर वाई का पावर फोर लॉग वाई, यहाँ बचेगा माइनस वाई का पावर फोर प्लस सी, ठीक है, आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 26 तक किया, ये है आपका इतना, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर तो लिख दिए, और फोर एक्स को टू इंटू एक्स इंटू टू, ठीक है, अब थर्टीन को फोर प्लस नाइन लिख सकते हैं थर्टीन, ठीक है। अब देखिए यहाँ से ये और ये यहाँ तक जो है आपका एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर है, और इसको नाइन को हम थ्री का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ये हो गया वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू होता है वन बाई ए, ए इक्वल टू थ्री, तो वन बाई ए टेन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी, फॉर्मूला पे आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 27, फंक्शन एफ एक्स डी एक्स साइन एक्स, देखिए यहाँ पर दिया गया है तो अपन निकालना है फंक्शन एफ एक्स कौन सा इक्वल होगा, तो गिवन इंटीग्रेशन इज इक्वल टू इतना इतना, फंक्शन एफ एक्स है तो उसका डेरिवेटिव है, ठीक है, इक्वल टू ई एक्स साइन एक्स, तो इंटीग्रेशन आप जानते हैं इसका क्या होता है, ई का पावर एक्स और फंक्शन ए होता है,
इक्वल टू ई का पावर एक्स साइन एक्स। देखिए कंपेयर कीजिए, आपका रिजल्ट में ये है, आपका इंटीग्रेट करने आप इसको इंटीग्रेट किए तो आप इतना आया, और ये आपका रिजल्ट है। तो ये तो आप कॉमन है, तो फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू क्या आ रहा है साइन एक्स, तो एफ एक्स इक्वल टू हो जाएगा साइन एक्स आंसर आपका। क्वेश्चन नंबर 28 देख लीजिए, ये है आपका क्वेश्चन, टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस फोर डी एक्स इक्वल टू ए, यानी ए और बी का आपको वैल्यू बताना है इसमें क्या निकलना होगा। देखिए इंटीग्रल क्वेश्चन आपका ये है, तीन फैक्टर इसमें एक्स स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, एक्स माइनस वन और एक्स प्लस वन। देखिए तीन फैक्टर बनेगा आपका, फर्स्ट फैक्टर के लिए है, सेकेंड फैक्टर बी और थर्ड फैक्टर के लिए सी। देखिए फिर हम क्या किया, इसका एलसीएम लिया, ठीक है, इससे इसमें डिवाइड दिया तो बचा आपका क्या बचेगा, एक्स माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस। आप समझ रहे हैं प्रोसेस से कैसे किया गया है, एलसीएम लेकर किया गया है। और देखिए ये पार्ट देखिए आपका कैंसिल हो जाएगा, बचेगा फिर इधर क्या, टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री, और ये इधर बचेगा आपका ए इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स का पावर फोर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस फोर इंटू सॉरी प्लस बी इंटू एक्स प्लस वन, ठीक है इतना, यानी आपका इधर ये बचा। अब हमको ए बी और सी का वैल्यू निकालना है, तो एक्स इक्वल टू माइनस वन पुट करेंगे तो आपका ए का वैल्यू निकल गया माइनस वन बाई टू, ठीक है। जब एक्स इक्वल टू माइनस वन पुट किया तो ए का वैल्यू निकला माइनस वन बाई टू, इसी प्रकार एक्स इक्वल टू वन पुट किए, एक्स इक्वल टू वन पुट किए तब बी का वैल्यू निकला वन बाई टू, और जब एक्स इक्वल टू जीरो पुट किए हैं तो आपका हो जाएगा, देखिए सॉल्व किया गया है, किया है हमने, अब देख कर समझ लीजिएगा कैसे सॉल्व किया गया है। तो आपका सी का वैल्यू निकला वन, ठीक है, जब एक्स इक्वल टू जीरो पुट किया तो सी का वैल्यू आ गया आपका वन। नाउ आपका इंटीग्रैंड यही था ना इक्वल टू इतना, क्वेश्चन देखिए ना, इसके बदले हम इतना तीन फैक्टर लिख सकते हैं अलग अलग, डी एक्स इक्वल टू इतना, एक अब बाहर था कॉन्स्टेंट, बी भी कॉन्स्टेंट बाहर, सी भी कॉन्स्टेंट बाहर, और तीनों का अलग अलग इंटीग्रेशन इक्वल टू इतना, ठीक है। देखिए ए का वैल्यू माइनस वन बाई टू, इसका इंटीग्रेशन लॉग एक्स प्लस वन, बी का वैल्यू वन बाई टू लॉग एक्स माइनस वन, सी का वैल्यू वन, तो वन लिख दिया, और इसका इंटीग्रेशन इसको देखिए एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, और चार को टू का स्क्वायर लिख सकते हैं, टू लिख दिए, ये आपका एल आर एच एस उतर गया, ठीक है। अब जान के देखिए इस दोनों में से क्या किया है, माइनस वन बाई टू कॉमन किए, तो इसमें बचेगा आपका लॉग एक्स प्लस वन, माइनस कॉमन किया ना तो माइनस सिक्स साइन बचेगा, तो माइनस सत्तर प्लस होगा इसमें, तो माइनस लॉग एक्स माइनस वन हो गया, ठीक है। ये हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन क्या, वन बाई टू टेन इन बस एक्स बाई ए, फॉर्मूला पे पुट करके बना दिया हमने आंसर, इसका इंटीग्रल कर दिया, ये आर एच एस उतर गया आपका। नाउ देखिए लॉग एम माइनस लॉग एन इक्वल टू क्या था, लॉग एम बाई एन, तो लॉग एम बाई एन लिख दिया हमने, ठीक है, माइनस वन बाई टू प्लस वन बाई टू टेन इन बस एक्स बाई टू इक्वल टू। नाउ देखिए अब मैं इक्वेट कीजिए, लॉग एक्स प्लस वन अपन एक्स माइनस वन, तो लॉग एक्स प्लस वन अपन लॉग एक्स माइनस वन, तो ए इक्वल टू कितना आ रहा है माइनस वन बाई टू, है ना। देखिए इसमें इसमें कंपेयर कीजिए, फर्स्ट टर्म है फर्स्ट टर्म, तो ए इक्वल टू माइनस वन बाई टू, अब बी इक्वल टू, देखिए इसमें बी इक्वल टू आ रहा है वन बाई टू, ठीक है, यानी ए अब बी आपका वैल्यू निकल गया, ए इक्वल टू माइनस वन बाई टू, अब बी इक्वल टू वन बाई टू, आंसर। क्वेश्चन नंबर 29, साइन एक्स अपॉन थ्री प्लस फोर कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, तो लेट हमने क्या किया, कॉस एक्स को जेड माना, देन इसका डिफ्रेंसिएशन किया, मैंने साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी जेड हो गया, तो साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा आपका, माइनस साइन साइड आएगा तो माइनस डी जेड हो जाएगा, ठीक है। नाउ इंटीग्रेशन करते हैं, साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या, माइनस डी जेड, तो माइनस डी जेड पुट कर दिया, इंटीग्रेशन यही था ना जी, साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस डी जेड अपॉन थ्री प्लस फोर कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस एक्स को तो जेड माना था, फोर जेड स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, माइनस साइन बाहर कर दिया तो माइनस ये हो जाएगा डी जेड अपॉन थ्री को हम रूट थ्री का होल स्क्वायर लिख सकते हैं थ्री को, और फोर जेड स्क्वायर को टू जेड का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए आपका किस फॉर्मूला पर आया गया है, वन अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो अब जानते हैं इसका इंटीग्रेशन वन अपॉन वन बाई ए टेन इन बस एक्स बाई ए होता है। देखिए वन बाई एक्वल टू क्या था आपका, देखिए ए इक्वल टू रूट थ्री है, वन बाई ए यानी वन बाई रूट थ्री, ठीक है, ए आई ए बी एक्स रूट थ्री जो है आपका ए है और ये जो है एक्स है, ठीक है, तो वन बाई वन डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो इंटीग्रेशन क्या होता है, देखिए वन बाई ए टेन इन बस एक्स बाई ए प्लस सी, लेकिन एक्स में आपका क्या है टू है, कोएफिशिएंट टू है, तो टू से डिवाइड देना पड़ेगा, तो देखिए टू से डिवाइड दिए, ठीक है, समझ गए।
तो माइनस वन बाई टू माइनस वन अपॉन टू रूट थ्री है टेन, बस जेड का वैल्यू पुट करना है, जेड इज इक्वल टू कॉस एक्स, तो टू कॉस एक्स अपॉन रूट थ्री प्लस आपका आंसर। ठीक है, फॉर्मूला तो हो गया टेन टेन वर्स एक्स का। नाउ क्वेश्चन नंबर 30 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 30 है, ये इतना है, इतना उतर गया आपका क्वेश्चन। हमने क्या किया, एक्स प्लस थ्री को हम एक्स प्लस फोर माइनस वन लिख सकते हैं, तो एक्स प्लस थ्री हो जाएगा। ठीक है, फोर माइनस वन करेंगे तो थ्री है ना होगा, डे इसमें फोर माइनस वन कर दिए हैं तो डी एक्स। ठीक है, अब हम क्या किए, एक्स प्लस फोर का होल स्क्वायर से एक्स में और एक बार एक्स प्लस फोर में और माइनस वन में डिवाइड दिया है, अलग अलग क्या किए हैं, एक्स प्लस फोर में एक बार डिवाइड दिया है, माइनस वन में डिवाइड दिए हैं। ठीक है, तो ये कटेगा तो हो जाएगा वन अपॉन एक्स प्लस फोर, और ये हो जाएगा माइनस वन अपॉन एक्स प्लस फोर का होल स्क्वायर। अब जो है देखिए, वन अपॉन एक्स प्लस फोर का डिफ्रेंशिएशन कीजिएगा तो आपको इतना आएगा। ठीक है, ये पार्ट आ जाएगा, इससे जाहिर हो रहा है कि ये फंक्शन जो है इसका डेरिवेटिव है, यानी ये फंक्शन इसका डेरिवेटिव है। तो इसका इंटीग्रेशन ऑफ लेंथ क्या होता है, फंक्शन ये होता है इंटीग्रेशन ए एक्स इंटू फंक्शन एफ एक्स प्लस सी, तो फंक्शन एफ एक्स का वैल्यू डाल दीजिए तो आपका आंसर हो गया ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 31, ये आपका है क्वेश्चन। गिवन इंटीग्रेशन आज कुल इतना, ये देखिए ई का पावर माइनस एक्स है तो हो जाएगा वन अपॉन ई एक्स। ठीक है, एलसीएम लीजिए तो हो गया वन अपॉन ई एक्स अपॉन ई एक्स, ये उठ के चल जाएगा ऊपर, तो देखिए ऊपर आ गया, और ये हो गया वन प्लस ई एक्स इंटू वन प्लस ई एक्स, यानी वन प्लस ई एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम देखिए वन प्लस ई का पावर एक्स को जेड मान लिया, देन इसका डिफ्रेंशिएशन किया तो ई एक्स डी एक्स इक्वल टू डी जेड। नाउ इंटीग्रेशन पाइए, इंटीग्रेशन यही ना है जी, देखिए ई एक्स डी एक्स इक्वल क्या डी जेड, तो डी जेड पुट कर दिया, इसको तो जेड माना है तो ये जेड स्क्वायर हो जाएगा, जेड स्क्वायर वन अपॉन जेड स्क्वायर को जेड का पावर माइनस टू डी जेड लिख सकते हैं, लिख दिए। इसका इंटीग्रेशन किया तो देखिए इंटीग्रेशन किया तो इतना प्लस ए, इंटीग्रेशन आज इक्वल टू जेड का पावर माइनस माइनस जेड का पावर माइनस वन प्लस सी, एन माइनस वन पावर माइनस वन है तो ये इनवर्स में हो जाएगा, माइनस वन अपॉन जेड प्लस ए, अब जेड का वैल्यू पुट कर दिए माइनस वन अपॉन वन प्लस ई एक्स प्लस ए। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, देखिए ये आपका, हमने क्या किया, लेट फाइव एक्स, फाइव का पावर एक्स को जेड माना, देन इसका डिफ्रेंशिएशन किया तो डिफ्रेंशिएशन हो गया फाइव एक्स इंटू लॉग फाइव डी एक्स, एक्स का डिफ्रेंशिएशन जो होता है एक्स इंटू लॉग ए होता है, तो एक्स इंटू लॉग ए डी एक्स इक्वल टू डी जेड। नाउ लॉग फाइव कॉन्स्टेंट है तो इस साइड इसको हम बाहर इधर साइड भेज दिए तो डिवाइड में आ जाएगा, यानी फाइव एक्स डी एक्स इक्वल टू डी जेड अपॉन लॉग फाइव। नाउ देखिए फाइव एक्स डी एक्स इक्वल टू ये वाला। ठीक है, नाउ इंटीग्रेशन पे आइए, इंटीग्रेशन आप पाइए है इतना, फाइव एक्स फाइव का पावर फाइव, और फाइव एक्स को हमने क्या बनाया जेड, तो जेड लिख दिया हमने यहाँ पे देखिए, और फिर देखिए सेकंड इसमें फाइव का पावर फाइव एक्स, तो उसको भी जेड लिख दिया फाइव एक्स को, क्योंकि हमने जेड माना है तो फाइव जेड हो जाएगा, और फाइव एक्स डी एक्स को कितना है देखिए, तो डी जेड बाई लॉग फाइव है तो डी जेड बाई लॉग फाइव लिख दिया। ठीक है, वन बाई फाइव वन बाई लॉग फाइव इज कॉन्स्टेंट तो बाहर आ गया, अब बचा आपका फाइव इंटू फाइव का पावर फाइव जेड इंटू फाइव जेड डी जेड, ये आपका बचा। नाउ फिर हमने क्या किया, फाइव का पावर जेड को एम माना, देन इसका फिर से डिफ्रेंशिएशन किया, डिफ्रेंशिएशन देखिए इसका इतना गया, और ये एम जो है डी एम हो गया, डिफ्रेंशिएशन लॉग फाइव जो कॉन्स्टेंट मल्टीप्लाई में इधर जाएगा डिवाइड में इतना हो जाएगा, यानी फाइव का पावर जेड डी जेड इजिकल टू डी एम बाई लॉग फाइव हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इंटीग्रेशन फिर चाहिए, इंटीग्रेशन आपका ही है, तो देखिए फाइव का पावर फाइव जेड इजिकल टू क्या माने हम एम माने, यानी फाइव जेड इजिकल टू एम, तो फाइव का पावर एम लिख दिए देखिए, और फाइव जेड और यहाँ पे देखिए यहाँ पे इसको तो एम माने हैं तो फाइव एम हो गया, ये फाइव जेड डी जेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा डी एम बाई लॉग फाइव, तो डी एम बाई लॉग फाइव, और ये जो लॉग फाइव था ये पहले वाला है, ये वाला है। ठीक है, तो लॉग फाइव इंटू लॉग फाइव इज इक्वल टू बाहर आएगा तो लॉग फाइव का स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा फाइव एम डी एम। ठीक है, ना फाइव एम डी एम को फिर से फाइव एम को हम क्या माने फिर से वाई मान लिया, देन इसका फिर से डिफ्रेंशिएशन किया तो डिफ्रेंशिएशन होगा इसका ए एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है एक्स इंटू लॉग ए, तो एक्स इंटू लॉग ए एज इक्वल टू फाइव है तो एक्स इंटू लॉग एक्स डी एम इक्वल टू वाई का डिफरेंशियल डी वाई, फाइव एम इंटू डी एम इक्वल टू डी वाई अपॉन लॉग फाइव। ठीक है, नाउ इंटीग्रेशन पाइए फिर सर आपका ये है, देखिए ये कॉन्स्टेंट है बाहर, और फाइव एम को क्या माना है वाई, फाइव एम डी एम इक्वल टू क्या आपके बराबर है तो डी वाई अपॉन लॉग फाइव, तो डी वाई अपॉन लॉग फाइव लिख दिया हमने।
ठीक है, लॉग फाइव कंस्टेंट है तो बाहर, तो यह बाहर आएगा तो मल्टीप्लाई में होता है लॉग फाइव का पावर क्यूब हो जाएगा, और डीवाई है, डीवाई का इंटीग्रेशन वाई हो जाएगा प्लस सी, ठीक है, यानी इंटीग्रेशन आई इक्वल टू इतना हो गया आपका। अब देखिए वाई इक्वल टू क्या है, इक्वल टू था आपका फाइव का पावर एम, तो फाइव का पावर एम लिख दिया अपॉन नीचे लॉग का फाइव का पावर क्यूब प्लस सी। अब देखिए एम, अब फिर आपका एम किसके बराबर था, तो एम बराबर था आपका फाइव का पावर जेड से। देखिए एम इज इक्वल टू फाइव का पावर जेड, तो एम इज इक्वल टू लिख दिया हमने फाइव का पावर जेड। अब फिर देखिए जेड किसके बराबर था, तो वो था आपका फाइव का पावर एक्स। तो देखिए यहाँ पर जेड था ना, तो जेड का इक्वल टू क्या है, फाइव एक्स का पावर एक्स है, तो ये भी लिख दिया हमने अपन लॉग फाइव का क्यूब प्लस सी, आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, क्वेश्चन नंबर 33 है ई एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन अपन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, ये आपका है ठीक है। तो हमने क्या किया फिर आपका, इतना तो क्वेश्चन उतर गया, हमने क्या किया इसमें माइनस वन सब्ट्रैक्ट किया प्लस वन एड किया, ये वन तो पहले से है तो वन लिख दिया ठीक है, अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर डी एक्स। तो देखिए आपका वन प्लस वन इज इक्वल टू हो जाएगा, ये वन प्लस वन वन इक्वल टू टू हो जाएगा, बचेगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस टू, हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस टू अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वन में एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर से डिवाइड देते हैं अलग, एक बार इससे एक बार इन दोनों में और एक बार इसमें डिवाइड देते हैं अलग अलग। देखिए दो बार दो बना लिए पार्ट्स, और इसको देखिए एक्स स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू क्या होगा, एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन लिख दिया अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस टू अपॉन एक्स प्लस वन, ये कट गया आपका। देखिए एक कटेगा आपका यहाँ से, एक कटेगा पावर भी हट जाएगा, तो बचेगा एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन अपॉन प्लस टू अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। अब देखिए यह फंक्शन जो है, इस फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन कीजिएगा तब पर यह फंक्शन आ जाएगा ठीक है। तो फंक्शन एफ एक्स मान लिया, तो ये एफ डी एक्स हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन होता है ई का पावर एक्स इंटू फंक्शन एफ एक्स प्लस सी, फंक्शन एफ एक्स क्या है ये है प्लस सी, यानी इसका यू अपॉन भी का जो फॉर्मूला होता है ना डिफ्रेंशिएशन करने का, उसी फॉर्मूला पे आपको इसको डिफ्रेंशिएट कर देना है ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा। नाउ आगे देखते हैं 34, द वैल्यू ऑफ इसका वैल्यू निकालना है, तो रूट एक्स को क्या करते हैं हम जेड मान लिए हैं, देन इसका डिफ्रेंशिएशन किया तो वन अपॉन टू रूट एक्स डी एक्स इक्वल टू डी जेड, तो वन डी एक्स अपॉन रूट एक्स इक्वल टू टू डी जेड, टू को इस साइड भेज दिया था ये मल्टीप्लाई में हो गया, नाउ इंटीग्रेशन पे आइए ए जेड इंटू टू डी जेड, रूट एक्स इक्वल टू जेड, ये डी एक्स अपॉन रूट एक्स इक्वल टू 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 डी जेड, टू कॉन्स्टेंट है बाहर, तो ये आपका एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, ए एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है ए एक्स अपॉन लॉग ए, तो एक्स अपॉन लॉग ए प्लस सी ठीक है। तो आप वैल्यू डाल दीजिए जेड का, जेड इक्वल टू क्या था रूट एक्स था, और लॉग ए प्लस सी आंसर। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 है देखिए इंटीग्रेशन है इक्वल इतना है, हमने क्या किया देखिए रूट टू से मल्टीप्लाई किया है, तो रूट टू से रूट टू बैठ गया है ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम टू, अगर वन अपॉन रूट टू इस दोनों में से कॉमन करते हैं तो रूट टू कॉमन कर जाएगा आपका ठीक है, एंड इसको ऐसा लिखा जा सकता है। अब देखिए साइन एक्स इंटू वन अपॉन रूट टू, वन अपॉन टू को हम कॉस 45 लिख सकते हैं, इसको साइन 45 ठीक है, यहाँ पे कॉस 45 है साइन 45, ना वन अपॉन रूट टू कॉन्स्टेंट बाहर था आ गया डी एक्स अपॉन साइन एक्स और कॉस 45 प्लस कॉस एक्स इंटू साइन 45, यानी साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी ठीक है, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी इक्वल टू होता है साइन ए प्लस बी, फॉर्मूला पे इसको हमने दिया साइन ए प्लस बी। अब वन अपॉन साइन एक्स इक्वल टू होता है कॉस एक्स, तो कोसेक एक्स लिख दिया, एक्स इज इक्वल टू मान लीजिए आप कि एक्स है तो कोसेक एक्स, अब देखिए कोसेक एक्स का इंटीग्रेशन होता है लॉग टेन एक्स बाई टू, कोसेक का इंटीग्रेशन लॉग टेन एक्स बाई टू, तो एक्स आपका ही है तो एक्स बाई टू यानी एक्स बाई टू हो जाएगा, तो पाई बाई फोर इंटू टू देखिए तो पाई बाई एट हो जाएगा, एक्स आपका ही ना तो इसका टू कीजिएगा ना जी ऐसा है टू, तो एक्स बाई टू प्लस एक्स पाई बाई एट हो जाएगा प्लस सी। क्वेश्चन नंबर 36, ये जो क्वेश्चन है आपका सेम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 जो है जस्ट यही क्वेश्चन है, तो आप उसे देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 37 हमने क्या किया, रूट एक्स को जेड मान लिया, देन इसका डिफ्रेंशिएशन किया तो इसका इतना गया और डी जेड हो गया ठीक है, टू के साइड साइड भेजा तो टू डी जेड हो गया, नाउ इंटीग्रेशन पे आइए तो ई का पावर रूट एक्स, तो रूट एक्स को तो जेड माने तो ई का पावर जेड टू डी जेड, टू डी जेड जेड कहाँ से है, ये डी एक्स अपॉन रूट एक्स का वैल्यू है ठीक है, टू कंस्टेंट बाहर इसका बचाइए ठीक है, तो ई एक्स का इंटीग्रेशन क्या था ई एक्स ही, तो ई एक्स ही हो जाएगा प्लस सी, अब जेड का वैल्यू पुट कर दीजिए आपका आंसर हो गया।
क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, कॉस 2x प्लस 2 sin x अपॉन cos स्क्वायर x dx गिवन है आपको इतना, cos 2x इज इक्वल टू होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 sin 2x और 2 sin x, तो लिख दिए इतना और ये cos स्क्वायर x। अब हम क्या किए हैं, प्रत्येक टर्म अलग अलग डिवाइड दे दिए हैं, ठीक है। देखिए तीन टर्म है आपका ऊपर में, तो तीनों टर्म ऊपर से हम डिवाइड दे दिए cos स्क्वायर x में, ठीक है। और ये cos स्क्वायर x को cos x * cos x लिख सकते हैं बिल्कुल। अब देखिए ये तो कट जाएगा आपका, बचेगा सिर्फ यहाँ पे 2dx बचेगा, 2dx 2 कंसर्ट बाहर आ गया, ये 1 अपॉन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 अपॉन cos स्क्वायर x, तो sec स्क्वायर x हो जाएगा, तो sec स्क्वायर x ये पे हो गया। और ये देखिए ये हो जाएगा 10x, ये 10x हो जाएगा 1 अपॉन cos x = sec x, 10x * sec x dx ना इंटीग्रेशन आ जाएगा कितना, इसका 2x हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन माइनस 10x, इसका इंटीग्रेशन sec x, तो 2 sec x प्लस c आंसर हो गया। तो फ्रेंड्स वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, थैंक यू फॉर वॉचिंग।